Assalamu alaikum. Wa alaikum. आप आ गए? नहीं अभी ऑफिस में हूँ. मैं तो सिर्फ पूछ रही थी. आज आप बड़े लेट आए ऑफिस से. खैर तो है? हाँ वो आपको बताया था मेरा दोस्त शाबिर, वो जिसके साथ मैं काम करता हूँ. हाँ. वो उसकी पार्टी थी ना, उसने शादी कर ली है. उसकी तो शादी हुई थी ऑलरेडी. हाँ ना, दूसरी शादी कर ली है. दूसरी शादी कर ली है? किससे? सेक्रेटरी से. आपकी सेक्रेटरी से? मेरी सेक्रेटरी से क्यों करेगा, अपनी सेक्रेटरी से उसने कर ली है. तो आपकी सेक्रेटरी की शादी हुई है? मुझे क्या पता. नहीं, वो तो आपके साथ काम करती है, आपको तो पता होगा. मुझे ऐसी बातें थोड़ी पता होती है. तो आपका इस बात को बदलने का क्या इरादा है? क्या मतलब? शाम, आपने कभी सोचा दूसरी शादी में? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, कभी नहीं. मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ. तो खुश ना होते तो कर लेते. कैसी बातें कर रही हो? नहीं, कभी भी ना करता. अच्छा, फर्ज करें कि कल को मैं मर गई तो आप कर लेंगे? अल्लाह ना करे, मैं क्यों दूसरी शादी करूँगा. अच्छा, अगर हमारे बच्चे होते तो? नहीं, मैं फिर भी ना करता. अच्छा, बच्चों के लिए तो कर लेते ना. बच्चों का कोई ख्याल नहीं है. आप ये नहीं सोचते कि उनके लिए कोई माँ हो? अच्छा हाँ, चलो बच्चों के लिए कर लेता. किससे करते? मुझे क्या पता किससे करते. टीवी देखो यार. नहीं, टीवी नहीं देखनी मुझे. आप मुझे बताएं कि आप किससे करते. वो सेक्रेटरी जो आपके ऑफिस में है, आपको उसके साथ कर लेनी चाहिए. वैसे आपने मुझे खुद ही बताया था कि वो आपकी पार्टी में आई थी और वहां पे इतने सारे बच्चे थे और वो इतना ख्याल रखती है उनका. आपको तो कर लेनी चाहिए ना. उससे ही कर लेनी चाहिए. हाँ चलो, उससे कर लो. क्या? मैं तो आपको सिर्फ टेस्ट कर रही थी. मुझे पता था आपका और सेक्रेटरी का कोई चक्कर चल रहा है. मैं अभी जाके अम्मी अबू को बताती हूँ और उनको फोन करती हूँ कि शाम में दूसरी शादी करनी है. झूठे वादे झूठिया कसमा, तू बेवफा बे सजना, तेरी झूठिया गल्ला, तू बेवफा.